माय गॉड, इतना हैवी बॉक्स, क्या है इसमें। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नायका हॉट पिंक सेल के रिव्यू की मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस किए हैं एंड कितनी कितनी प्राइस में ख़रीदे हैं। सो ये ह्यूज हॉल होने जा रहा है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं। जैसे कि आप मुझे पहले से जानते हो तो आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो क्लोथिंग आइटम हो, चाहे हैंड बैग्स हो, चाहे मेकअप ब्यूटी, कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप सेल में ही खरीदें। एंड मैं अभी भी आपको बोलूँगी कि आप सेल में ही खरीदें। सो अभी नायका पे चल रही है हॉट पिंक सेल, जिसमें आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, यूँ बोलूँ कि 50% अप टू 50% ऑफ जो है सारे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। लैकमे, मेबलिन, मैक, बहुत सारी ब्रांड पे अप टू 50% and 60% ऑफ चल रहा है। सो वहाँ से आप बहुत ही अच्छे खासे रिजनेबल प्राइस में ब्यूटी के प्रोडक्ट एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट, हेयर केयर के प्रोडक्ट आप पिक कर सकते हो। सो डेफिनेटली आप एक बार नायका चेक कीजिएगा, अभी सेल जो है वो चल रही है। एंड मैंने यहाँ पे नायका से बहुत सारा सामान मंगाया है और आपको मैं बताऊँगी कि मैंने MRP रेट से उनको कितने अच्छे खासे डिस्काउंट में मंगवाया है। सो अभी बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आइटम मंगाए हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्या शेयर करूँ, जो मेरा फेवरेट वन है। सो अभी तक मैंने इसको, मामा अर्थ का विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश, अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी इसको ट्राई नहीं किया एंड फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करूँगी। सो ये है बेसिकली सारी स्किन टाइप के लोगों के लिए है। ये जिंजर एंड लेमन का फेस वॉश है। बिकॉज इस फेस वॉश का खरीदने का एक ही पर्पज़ था कि मैं, आप लोगों को पता है कि वीडियो बनाती हूँ तो ऑलमोस्ट एवरी वन डे या 2 से 3 दिन छोड़ के मेरा मेकअप होता है। तो मैं अपनी स्किन केयर को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ कि अगर मैं इतना मेकअप करती हूँ तो मुझे अपने फेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो इस को मंगवाने का एक ही पर्पज़ है, एक तो ये विटामिन सी में था और दूसरा इसके साथ में ये ब्यूटीफुल सा ब्रश आता है। आपने ऐड वगैरह देखे होंगे मामा अर्थ के, तो सो इसमें ये जो ब्रश आता है, सो कभी कभी क्या होता है कि हम फेस वॉश से, मेकअप रिमूवर से, मेकअप रिमूव करने के बाद भी कुछ पार्टिकल्स जो है मेकअप के फाउंडेशन के रह जाते हैं। सो मैंने सोचा कि बहुत जेंटल ब्रश इसके साथ में आता, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस ब्रश से अपना फेस वॉश करूँगी तो अच्छा क्लीनअप टाइप का हो जाएगा। सो इस फेस वॉश को मंगवाने का यही पर्पज़ था और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैंने इसको ओपन करके, खोल के हर तरीके से देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये वाला अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है विटामिन सी का। अभी तक मैं बायोटिक के ही आइटम यूज़ करती हूँ फेस वॉश के रिगार्डिंग, हेयर ऑयल के रिगार्डिंग, बट थिंग इज़ दैट कि मुझे मामा अर्थ का ट्राई करना, तो मैं कब से सोच रही थी। सो ये MRP प्राइस आई गेस इसका जो है ना वो 400 रुपीज़ है, बट मैंने इसको 319 रुपीज़ में ख़रीद लिया। सो देखो आप कितने अच्छे डिस्काउंट में मैंने इसको ख़रीद लिया है। सो ये बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपका इतना ज़्यादा मेकअप होता है या आपकी आपके एक्ने बहुत होते हैं तो आप ज़रूर एक बार ये ट्राई कीजिएगा। मैं भी इसको ट्राई करूँगी। मैंने अभी इसको 2 बार ही यूज़ किया है एक दिन में। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ये, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ट्राई करना हो तो। नेक्स्ट ये मेरा फेवरेट मेकअप रिमूवर गार्नियर का माइसलर वाटर। जैसा कि आपको पता है ये मेरी शायद 12 या 13 नंबर की बॉटल होगी। सो ये 400 का ही मैं हमेशा पिक करती हूँ, कभी छोटा ट्रैवल पैक के लिए खरीद लेती हूँ। सो इसका प्राइस 239 रुपीज़ मैंने पे किया। इसका प्राइस जो है वो 400 ml का 400 रुपीज़ प्राइस है, बट मैं हमेशा इसको डिस्काउंट में 230 to 240 रुपीज़ में खरीद लेती हूँ। सो हमेशा की तरह मैंने इस बार भी इसको बहुत अच्छी डील में खरीदा है। सो मैं हमेशा मेकअप, स्पेशली मेकअप एंड स्किन केयर, तो हमेशा सेल में बल्क में खरीद लेती हूँ। जब भी मेरे खत्म होने वाले होते हैं तो मैं इनको बल्क में खरीद लेती हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने खरीदा है नायका का कलर करेक्टर स्टिक डार्क सर्कल के लिए। अनइवन स्किन होती है तो हमारा फाउंडेशन बहुत टाइम बाद ग्रे होने लगता है यहाँ से, तो मैं फर्स्ट टाइम ये कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। वैसे तो मैं कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ, ना ही मेरे इतने कोई डार्क सर्कल है, ना ही मेरा कोई ग्रेइश फाउंडेशन होता है, बट मैंने सोचा कि मुझे कलर करेक्टर ट्राई करना चाहिए। सो ये मैंने खरीदा है एंड इसका प्राइस जो है ना वो मैंने 499 रुपीज़ पे किया। आई थिंक इस पर कुछ डिस्काउंट नहीं था, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, बिकॉज 499 रुपीज़ मैंने इसका पे किया है और इसका प्राइस जो है वो 699 रुपीज़ है। सो 499 रुपीज़ मैंने इसका पे किया। सो ये बहुत ही अफोर्डेबल, अगेन मुझे 100 रुपीज़ ऑफ मिल गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा की ये स्प्लैश ब्लैक नेल पेंट खरीदी है 109 रुपीज़,
और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैक्मे की 9 to 5 एक सीसी क्रीम खरीदी है। लाइक मैंने कभी सीसी क्रीम ट्राई नहीं करी थी, सो मैं हमेशा फाउंडेशन के साथ में ही कंफर्टेबल रहती हूँ। बट मैंने सोचा कि बीबी क्रीम तो मेरे पास, मैं एक बार सीसी क्रीम भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं, मैं अपने लिए तो खरीदती हूँ बट मुझे ट्राई होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सीसी क्रीम बीबी क्रीम में क्या डिफरेंस है, कौन सी अच्छी होती है। सो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा ट्रैवल पैक समथिंग कुछ मंगवा के देखती हूँ कि कैसा है, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ। सो ये मैंने मंगवाई है और इसका प्राइस मैंने 99 रुपीज़ पे किया है। नेक्स्ट मेरा फेवरेट शैम्पू ट्रेसेमे का, मैं हमेशा यही ट्रेसेमे की बॉटल मंगवाती हूँ। एंड अगेन ये मैंने 350 रुपीज़ में खरीदी है। 500 रुपीज़ की बॉटल आती है, बट जैसा कि आपको पता है कि मैं 6 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ में जब भी सेल चलती है, जब भी मेरा शैम्पू या कुछ ख़त्म हो रहा होता है, तो मैं बल्क में मंगवा लेती हूँ। सो ये मैंने 350 रुपीज़ का 500 ml मंगवाया ट्रेसेमे शैम्पू। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इस पर बहुत अच्छी डील है। लाइक ये मैंने मंगवाया लैक्मे एब्सोल्यूट का आई शेडो पैलेट, और इसमें जो शेड है वो मुझे पता नहीं है, वैसे मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। हाँ, फ्रेंच रोज़ जो है। सो ये सेम पैलेट मेरे पास में है गाइस, बट थिंग इज़ दैट कि मेरी बेटी ने ना उसको तोड़ दिया है, तो उसमें पूरा हाफ खाली हुआ है, लेकिन उसको तोड़ दिया, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ तो हमेशा उसका फ्लोर पे गिर जाता है कुछ ना कुछ। सो ये मैंने मंगवाया है फ्रेंच रोज़ का पैलेट ओनली 398 रुपीज़ में। सो गाइज़ ये पैलेट मैं आपको बता दूँ 1000 रुपीज़ का रहता है, और इस पर बहुत जब भी कोई सेल चलती है तो बहुत कम डिस्काउंट रहता है, लाइक 700 से नीचे इसका प्राइस कभी नहीं जाता। और जब मैंने देखा कि ये 398 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मैंने फटाफट से इसको ग्रैब कर लिया, बिकॉज ये कभी भी कम प्राइस में नहीं आता है, मेरा टूटा हुआ था। सो इसको मैंने फटाफट से पिक कर लिया, सो ये बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मुझे मिल गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ख़रीदा है लैक्मे 9 to 5 का प्राइम प्लस मैट ये कॉम्पैक्ट, जिसका प्राइस मैंने 298 रुपीज़ पे किया है। वैसे इसका MRP प्राइस 575 रुपीज़ है, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखने के बाद इसको मंगवाया, क्योंकि मेरा मैट मैजिक लॉरियल का जो कॉम्पैक्ट है वो टूट चुका है, ख़त्म भी हो चुका है, एंड उसका कभी स्टॉक में आता भी नहीं है नायका पे। सो वो मैंने छोड़ के अभी ये वाला मंगवाया इसका रिव्यू देखने के बाद। सो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, प्राइस मैंने 295 रुपीज़ या 98 रुपीज़ कुछ पे किया है। इसका शेड नहीं लिखा हुआ है इस पर, मैंने वैसे जो नेचुरल बेज आता है ना, नेचुरल समथिंग कुछ आता है, वही मैंने इसका शेड मंगवाया, इस पर लिखा हुआ नहीं आया है। वैसे अंदर हो तो मैं चेक करके बता देती हूँ। सो नेचुरल क्रीम जो है शेड नंबर 04, वो मैंने इसमें मंगवाया, बहुत ही अच्छा है, एकदम मेरी स्किन को परफेक्ट गया है। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है स्पा का क्रीम, जैसा कि आपको पता है कि मैं घर पे ही हेयर स्पा करती हूँ, तो ये मैंने एक हेयर स्पा की क्रीम मंगवाई है 520 रुपीज़ की, और ये 500 ग्राम है, और इसका प्राइस जो है वो 520 रुपीज़ दिया है। MRP प्राइस जो है इसका वो 660 रुपीज़ है। सो इसका MRP प्राइस 660 रुपीज़ है, बट मैंने इसको 520 रुपीज़ में लिया है, एंड ये 500 ग्राम है। लास्ट टाइम भी मैंने 500 ग्राम लिया था, लाइक वो मेरे 3 to 4 ईयर्स चल गया था। सो ये भी अच्छा खासा, मैं अजय और हम दोनों का हेयर स्पा घर पे ही करते हैं, तो आराम से मेरे मतलब 2 से 3 साल चल जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मंगवाए हैं कॉटन पैड्स फॉर माई मेकअप रिमूव। सो मैंने अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मंगवाए एक तो बेला के कॉटन पैड, जिसका प्राइस आई गेस मैंने 109 रुपीज़ और इसका 120 रुपीज़ समथिंग कुछ पे किया है। एक नायका ब्रांड का है और एक बेला ब्रांड जो होती है ना, उन दोनों की ये दो कॉटन पैड मंगवाए। कॉटन बॉल्स जो होते हैं ना, वो उससे अच्छा सा मतलब रिमूव करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता, इसको सीधा सा आपने रिमूवर लिया और स्वाइप करके आप है ना इसको रिमूव कर सकते हो। सो ये मुझे बहुत ईजी लगते हैं, इसलिए मैंने दो कॉटन पैड के पैकेट्स मंगवाए हैं। नेक्स्ट मेरा ट्रेसेमे का कंडीशनर मंगवाया, ये भी मुझे बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गया, 120 and 130 रुपीज़ में मिल गया है। नेक्स्ट मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लीन अप वगैरह करूँ घर पे, सो यहाँ पे मैंने ये फेस पैक मंगवाया है बायोफ्रूट बायोटिक का। सो ये मुझे कुछ 45 रुपीज़ अप्रॉक्स मिल गया है। मैं हमेशा इसका छोटा पैक ही मंगवाती हूँ, बिकॉज क्या है ना कि बड़े पैक जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते, तो थोड़ा एक्सपायर होने का चांसेस रहता है, ये छोटा पैक ही मेरा 1 ईयर चल जाता है। तो सो मैंने ये छोटा पैक मंगवाया। एक मैंने यहाँ पे मंगवाया है स्क्रब हिमालय का, सो ये भी मुझे 50 रुपीज़ में 50 ग्राम समथिंग कुछ मिल गया है। सो ये नीम प्योरीफाई हिमालय का ये है स्क्रब, सो स्क्रब एंड फेस पैक मैंने बता दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मंगवाया है ये नायका का प्रेप मी मेकअप फेस प्राइमर। सो ये प्राइमर मैंने मंगवाया, लाइक मैंने नायका के प्राइमर के बारे में बहुत कुछ सुना था कि बहुत ही अच्छा था, ट्रस्ट मी गाइज अभी मैंने यही लगा रखा है। सो ये बहुत ही सॉफ्ट फिनिश का, बहुत ही स्मूथ फिनिश का ये प्राइमर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इससे।
एंड इसका प्राइस मैंने ना 475 रुपीज़ और 399 रुपीज़ समथिंग कुछ पे किया, सो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया। इसका MRP प्राइस जो है वो 545 रुपीज़ है, बट बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मुझे मिल गया है। एंड बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आप, लाइक वाटरी बेस्ड एकदम, आपको दिख रहा होगा तो बिल्कुल वाटरी बेस्ड है, बिल्कुल चिपचिपा। या जैसे कि मैंने कलर बार का यूज़ करती हूँ हमेशा, पर वो थोड़ा मुझे हैवी सा लगता है, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, एकदम लगाते ही गायब सा हो जाता है, उस टाइप का है ये। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मंगवाया हिमालय का क्लिंजिंग मिल्क। सो मैं हमेशा हिमालय का टोनर एंड हिमालय का ही क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, लाइक 5 to 6 ईयर से मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई दूसरी ब्रांड प्रेफर भी नहीं करती क्लिंजिंग मिल्क के लिए। सो ये मैंने क्लिंजिंग मिल्क मंगवाया, इसके साथ में टोनर मंगवाया, लेकिन वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ। आई गेस कल या परसों रिसीव हो जाएगा, क्योंकि वो सेपरेट पार्सल में था। सो ये वाला मुझे रिसीव हुआ है, और इसका प्राइस जो है ना, MRP प्राइस 95 रुपीज़ है, लेकिन मैंने इसको सेल के अंदर 68 रुपीज़ में ख़रीद लिया है, वो भी मुझे 68 में पड़ा है जो टोनर है वो। सो यहाँ पे मुझे मिला है इतने सारे प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल, और एक मुझे कलरफुल जो काजल आता है लैक्मे का वो मिला है, एंड एक जो है ये स्पा क्रीम के साथ में आई गेस मुझे कंडीशनर समथिंग कुछ मिला है। सो जो कलर वाला काजल है लैक्मे का, और जो इसके साथ में कंडीशनर मिला है वो भी, और इसका साथ का जो टोनर है, वो तीनों आइटम्स जो है वो अगले वाले पार्सल में है। सो मुझे बाद में रिसीव होंगे, बट मैं बता देती हूँ कि ये मैंने खरीदे हैं। सो ये मुझे फ्री मिला, एक कलर आई कलर का वो काजल मिला है, और एक मुझे कंडीशनर मिला है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन ये मैंने ख़रीदी है। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी आईब्रोज़ पे ना पाउडर लगाना पसंद करती हूँ, लाइक पाउडर इन द सेंस कि जो पाउडर आई शेडो आते हैं, जो ब्लैक आई शेडो आते हैं, वो लगाना पसंद करती हूँ विथ ब्रश। बट हमेशा क्या होता है कि आप पाउडर लगाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे जल्दी में मेकअप करना होता है, या ताशुर हो रही होती है, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी में मेकअप करके फटाफट वीडियो शूट करने बैठना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि मैं पेंसिल के साथ में कंफर्टेबल होती हूँ। सो मेरे पास में वैसे भी बहुत सारी आईब्रो पेंसिल है, बट एक पेंसिल जो मेरे पास में बहुत ही अच्छी थी, जो मुझे पसंद थी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है, जो कि मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाई थी, जिसके बैक में इस टाइप की स्पूली आती है, फटाफट से ब्रश कर लेते हो। सो वो क्या है ना, खत्म हो चुकी है। सो मुझे मुझे है ना कुछ स्पूली टाइप की ही आईब्रो पेंसिल चाहिए थी। सो ये मैंने लैक्मे की मंगवाई है इन द शेड चारकोल, और मैं गाइज आपको बता दूं कि ये लैक्मे एब्सोल्यूट की माइक्रो ब्रो परफेक्टर आईब्रो पेंसिल है, एंड इसका MRP प्राइस है ना वो 800 रुपीज़ है, बट सेल के अंदर मैंने इसको जस्ट 400 रुपीज़ में खरीद लिया है, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट। सो ये बहुत ही अच्छी डील रही है मेरी नायका की, कि मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो हैं वो 60% या 50% या 70% ऑफ में ख़रीद लिए हैं। एंड मैं आपको भी यही बोलूँगी गाइज कि आप कभी भी स्किन केयर या मेकअप के प्रोडक्ट खरीदना चाहो तो हमेशा सेल में खरीदो, बिकॉज क्या होता है ना कि सेल के अंदर हम सेल चलती है उसमें खरीदें, बिकॉज सेल के अंदर क्या होता है कि हमें ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छे से अच्छी ब्रांड के स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप के प्रोडक्ट जो आपको बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाते हैं। लाइक अभी आप कभी बजट को लेके चलते हो, विदाउट सेल आप खरीदते हो, तो इतनी अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट आप नहीं खरीद पाते हो, बट यही आप सेल में खरीदो तो एक अच्छी से अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट जो है वो आप एक रिजनेबल प्राइस में खरीद लेते हो। सो मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा सेल में खरीदें, चाहे कोई भी आइटम हो, एंड मेकअप एंड स्किन केयर के तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी सेल में खरीदें। सो आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्राइस आपको मेंशन कर दिए हैं वर्बली। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितने अच्छे डिस्काउंट में नायका हॉट पिंक सेल से मैंने खरीद लिए हैं। अभी सेल चल रही है, डेफिनेटली आप भी चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, नहीं भी आता, कोई दूसरे प्रोडक्ट भी पसंद आते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप डेफिनेटली नायका से पिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है गाइज। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय। वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।